सो कोटा फैक्ट्री के आने के एक दिन बाद ही आई डिसाइडेड टू बिंग वॉच इट स्ट्रेट फॉर 3 आवर्स। अब जजमेंटल मत होना, इट वॉज संडे। सो कमिंग फ्रॉम द सीजन 1 मेरी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई थी, बट कहीं ना कहीं मुझे कुछ फीकापन महसूस हुआ। हालांकि उसमें ऐसा कई पोर्शन था विच वॉज मोर रिलेटेबल एंड मच मोर बेटर दैन द प्रीवियस वन, बट समवेयर आई फेल्ट समथिंग मिसिंग एंड इट्स नॉट जस्ट मी बट मैनी अदर्स टू। सो अब इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन वुड बी फ्रॉम ऑडियंस परस्पेक्टिव एंड द सेकेंड वन फ्रॉम देयर्स। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो दो बातें हैं। 1, दिस होल वीडियो इज माई पर्सनल ओपिनियन एंड 2, स्टिल आई वुड से कोटा फैक्ट्री इज अ मास्टरपीस। नाउ एज द ऑडियंस मुझे 3 कारण लगे विच मेड कोटा फैक्ट्री अ बिट ऑफ कलर। और हाँ, कलर से याद आया, कोटा फैक्ट्री इसलिए ब्लैक एंड वाइट थी बिकॉज इट डिमॉन्स्ट्रेटेड व्यूअर्स हाउ द लाइफ ऑफ JEE एस्पिरेंट्स इज कलरलेस। खैर, सिंपली सेइंग द आंसर इज 1, द प्लेटफॉर्म, 2, सेंटर ऑफ अटेंशन एंड 3, गोल। टेंशन मत लो, वी विल डिस्कस ईच पॉइंट इंडिविजुअली, लेट्स एनालाइज। Kota Factory Season 1 was released on YouTube, that means free and easily accessible. तो हमें ना एक homely feel आती है YouTube scroll करते वक्त। वहीं Netflix is limited to some people only. फिर बाकी लोग यहाँ तो show देखने के लिए piracy का use करते हैं, हालांकि I don't support it या फिर वो देखते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं platform was one of the reason why Kota Factory lost its charisma. Kota Factory Season 1 revolved around Vaibhav and his struggles in IIT journey. वहीं दूसरा सीजन थोड़ा general point of view से लेकर चलता है। हम Season 2 में ये नहीं कह सकते कि वो main character था, और कहीं ना कहीं हर किसी को थोड़ा थोड़ा importance देने के चक्कर में हर किसी का impact कम हो गया। और वुमेन करेक्टर्स जो सीजन 1 में बेहतरीन तरीके से इस्टेब्लिश किए गए थे, दे फेल्ट अ बिट ऑफ। कई सीन्स में ज़बरदस्ती मोटिवेशन डालने की कोशिश की गई, और यही ले चलता है हमें नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ रिलेटेबल। नाउ सी, मैं ये नहीं कहता कि कोटा फैक्ट्री रिलेटेबल नहीं थी, नो, इनफैक्ट जिन चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया है दे एक्चुअली डिलीवर्ड दैम, बट सिर्फ जिन चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया है। लाइक इस सीजन की सबसे बड़ी कमी थी नॉट शोइंग अ डेफिनेट गोल और पर्पस। और हाँ, मैं IIT की बात नहीं कर रहा, सुनो, बेसिकली वाइल राइटिंग अ स्टोरी हर करेक्टर की एक जर्नी होती है, उसकी कोई प्रॉब्लम होती है, और बाय द एंड ऑफ स्टोरी या तो वो डेस्टिनी पूरी हो जाती है या फिर पूरी होती दिखती है, विच इज़ कॉल्ड करेक्टर आर्क। एंड यही स्टोरी में जान डालती है, या फिर मैं कहूँ स्टोरी को चलाती है। बट समवेयर इट वॉज मिसिंग इन सीजन 2 एंड एन एक्सेप्शन इज मीना। बट उसके अलावा अगर आप कीन ऑब्जर्वर हो तो यू कैन सी दैट अदर करेक्टर्स आर जस्ट एग्जिस्टिंग देयर बिकॉज दे आर इन द सीरीज। समिंग अप, सीजन 1 एंड होते होते लगा कि स्टोरी एक्चुअली में कंप्लीट हो गई थी, बट नॉट फॉर द सीजन 2। ये सीजन ऐसे लगा कि एक ट्रांजिशन पीरियड है बिटवीन सीजन 1 एंड सीजन 3, एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑफ कलर्स। नाउ एड्रेसिंग द ओरिजिनल क्वेश्चन, व्हाट वेंट रॉन्ग विद कोटा फैक्ट्री सीजन 2, टू नो द आंसर स्टे ट्यून्ड। अब सवाल ये है कि इतने बड़े OTT प्लेटफॉर्म के साथ डील के बाद भी वाई द क्वालिटी इन स्पाइट ऑफ अपग्रेडिंग डिग्रेडेड। इसे हम TVF के परस्पेक्टिव से समझेंगे। सो द बेस्ट आंसर टू इट इज क्रिएटिव लिबर्टी। आई मीन, टेल मी, जब आप इंडिविजुअली किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, यू एंड अप बिकमिंग मोर क्रिएटिव, बट वैन वर्किंग फॉर अ कंपनी और समथिंग, तुम कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते। तुम्हारे हर बात के पीछे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। यू हैव टू पे अटेंशन टू द सजेशंस ऑफ प्लेटफॉर्म टू, एंड दैट्स वेयर यू लूज क्रिएटिव लिबर्टी। एंड फॉलोइंग अप टू दिस, आई थिंक इनिशियली कोटा फैक्ट्री ने सोचा होगा वी विल एंड दिस स्टोरी इन सीजन 2, और यही सेंस बनाता है स्टोरी को देखकर। बट नेटफ्लिक्स के पास अगर इतनी हॉट प्रॉपर्टी है तो वो कैसे इसे छोड़ेगा और क्यों इसे छोड़ेगा? अगर तुम भी होते, यू वुड स्टिल डू द सेम। और फिर ट्रस्ट मी, अपने आइडियाज़ को चेंज करके स्टोरी को और खींचना कितना डिफिकल्ट है ये मैं ही जानता हूँ। तो इसलिए वो हल्का सा वॉइड जो रह जाता है ना, उसे भरना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम देखें तो सीजन 2 में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ ही नहीं है। इट वॉज जस्ट बिकॉज इट वॉज देयर। हाँ, बट स्टिल इट डज नॉट मीन कि इस सीरीज में कोई कमी है। इट स्टिल इटसेल्फ इज अ मास्टरपीस एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सीजन 3। यार, अगर हम किसी की गलतियों को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, देन हाउ वी विल ग्रो? लिसन दिस। सो आई होप मैं तुम्हें अपना पर्सपेक्टिव समझा पाया एंड यू कैन शेयर योर्स टू। और रही बात आज की वैल्यू की, तो इट इज बी मेच्योर इन योर डिसीजंस एंड हैव योर ओपिनियंस, बिकॉज तभी ही तुम खुद को एक इंडिविजुअल बोल पाओगे, एल्स यू वुड बी लॉस्ट इन अ क्राउड। सो कमेंट डाउन योर ओपिनियंस टू। टिल देन, कीप एनालाइजिंग। बाय।